जैसे मैंने पहले आपको क्या बताया कि कभी भी अगर जीएसटी लगेगा तो जीएसटी किस चीज के ऊपर लगेगा या तो गुड्स पे लगेगा हमने गुड्स की डेफिनेशन देख ली या तो सर्विसेज पे लगेगा हमने उसकी डेफिनेशन देख ली ठीक है तो दो चीजें तो हो गई अब तीसरी चीज क्या है कि सप्लाई होनी चाहिए सप्लाई क्या बोलती जब कोई टैक्सेबल इवेंट कंप्लीट होता है तो गुड्स सर्विसेज और बोथ और फिर उनकी सप्लाई जहां पे ये तीनों चीजें हो जाएंगी या फिर तीनों नहीं तीनों एक साथ नहीं गुड्स की सप्लाई सर्विस का, का जीएसटी है। है? तो बेटा बात ये आती है, कि जो सप्लाई है मेरी सप्लाई की टाइप कौन कौन सी है किस किस तरीके की सप्लाई मेरी हो सकती है ठीक है वो देखते हैं पहली सप्लाई है मेरी ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट फ्लो

ठीक है यही मेरा आई टी सी आउटपुट आउटपुट कांसेप्ट निकल के आया था फिर कहता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिनटी क्या क्या वन टाइम सप्लाई है या कॉन्टीन्यूस सप्लाई है जैसे वन टाइम सप्लाई क्या होता है आप आए मेरे पास एग्जाम से एक दिन पहले कि सर मेरा जीएसटी का पेपर है कल मुझे आज पढ़ा दो पढ़ा दिया मैंने खत्म बात आप आए आपने मुझे फीस दी चले गए वन टाइम सप्लाई हो गई अब आप आए छः महीने पहले मेरे पास कि सर जीएसटी के सिलेबस पढ़ा दो हमें तो मैं तो सर आपने फीस दे दी अब मैं क्या कर रहा हूँ धीरे धीरे सर्विस आपको डिलीवर कर रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सप्लाई या फिर आपने रिचार्ज करा लिया अपने फोन में एक महीने का चार सौ रुपए का पैसे तो पहले दे दिए लेकिन सप्लाई कब करोगे पूरे महीने में दिस इज क्यूल कॉन्टिन्यूस सप्लाई घर बनता है बेटा घर एक दिन बन जाता है क्या नहीं चार पांच महीने लगते हैं कॉन्टिन्यूस सप्लाई समझ में आ गया वन टाइम सप्लाई और कॉन्टिन्यूस सप्लाई में ठीक है ऑन बेसिस ऑफ टैक्सीबिलिटी कहता है सप्लाई होनी चाहिए तो होगा, होगा तो 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 चार नॉन ना कि वो, लेकिन हमने क्या पढ़ा था रेट पढ़े थे आज हम उसकी टैक्सीबिलिटी भी देखेंगे ठीक है कि टैक्सीबिलिटी कब अराइज होती है अगला क्या है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है इंट्रास्टेट इंटरस्टेट सप्लाईज इन द टेरिटोरियल वाटर्स इंटरस्टेट क्या होता है सेम स्टेट ये क्या होता है डिफरेंट स्टेट और ये क्या होता है विद इन वॉटर वाटर का मतलब बेटा ये नहीं कि गंगा नदी वाटर का मतलब होता है समुद्र पानी के जमीन के बाद जो पानी है तो 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का कब्जा है मतलब इंडिया के राइट्स कह लो कब्जा कह लो जो भी कह लो ठीक है ये होता है बेटा ठीक है ये हो गया मेरा और फिर क्या बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ कंजंक्शन मतलब दो सर्विसेज को मिला के एक सर्विस बना दिया गया इसमें हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई ये हम पढ़ेंगे तो ये मेरी टाइप्स ऑफ सप्लाई होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्वानिटी टेक्सीबिलिटी जोग्राफिकल एंड कंजंक्शन ठीक है ठीक है? है एक एक करके बेटा इसको पिकअप करते हैं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम ये सारी चीजें पहले पास में कवर कर चुके हैं पहला क्या बोलते हैं इनवर्ट सप्लाई कहता है इन रिलेशन टू पर्सन इनवर्ट सप्लाई मींस रिसीट ऑफ गुड्स जब हम सर्विस ले रहे हैं मतलब सामान खरीद रहे हैं रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ या तो दोनों गुड्स सर्विस या दोनों ठीक है वेदर बाय परचेज एक्विजिशन और एनी अदर मीन्स विद और विदाउट कंसीडरेशन कहता है चाहे पैसे दो या मत दो

ठीक इसका उल्टा क्या होता है इन रिलेशन टू टैक्सी पर्सन आउटवर्ड सप्लाई हाँ ध्यान से देखना बेटा क्या लिखा हुआ है टैक्सीबल पर्सन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पर्सन दोनों में फर्क है ठीक है यहाँ पे पर्सन है यहाँ पे टैक्सीबल पर्सन है आउटवर्ड सप्लाई मीन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेदर बाय सेल ट्रांसफर बाटर एक्सचेंज ध्यान से देखना आपने डिफिनेशन पहले पढ़ी हुई है कहाँ पे कैपिटल गेन में वेदर बाय सेल्स ट्रांसफर बाटर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीज डिस्पोजल और एनी अदर मोड मेड और एग्रीड टू बी मेड क्या लिखा हुआ है कोर्स ऑफ फर्द ऑफ बिजनेस आप कुछ भी इसमें से कर रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में वो आपका क्या माना जाएगा आउटवर्ड सप्लाई क्या माना जाएगा आउटवर्ड सप्लाई कोई डाउट है बेटा एग्जाम्पल रवि कंप्यूटर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड डीलर रजिस्टर्ड डीलर क्यों यहां पे क्या बोला जाता है टैक्सेबल पर्सन पर्सन हैज सोल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स टू एबीसी लिमिटेड रवि ने किसको बेचे एबीसी को एट अ प्राइस ऑफ 26,000 प्लस जीएसटी मतलब छब्बीस हजार के ऊपर जीएसटी लगेगा ठीक है इसके इसके लिए इसके लिए क्या हो गया? Supply हो गया? गई, ठीक है? क्योंकि रवि ने किसको बेचा है एबीसी को तो रवि के लिए क्या हो गया आउटवर्ड सप्लाई और एबीसी के लिए क्या हो गया इनवर्ड सप्लाई ठीक है बेटा एंड आउटवर्ड सप्लाई फॉर सप्लाई दैट इज रविश कंप्यूटर लिमिटेड मतलब रवि ये ठीक है बेटा क्लियर है बेचने वाला के लिए बेचने वाला कौन है सप्लायर खरीदने वाला कौन है रेसिपियंट बेचने वाले के लिए क्या हुआ आउटवर्ड सप्लाई खरीदने वाले के लिए इनवर्ट सप्लाई कोई डाउट है बेटा इसमें एनी <laughs> डाउट ठीक है आगे चलते हैं हां जी तो अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी में क्या होता है बेटा मैंने आपको बताया एक तो वन टाइम होती है और एक कॉन्टिन्यूअस सप्लाई होती है दो ही होते हैं बेटा वन टाइम में क्या बताया मैंने कि एक बार सामान बेच दिया बात खत्म कॉन्टिन्यूस में क्या होता है बार बार वो सर्विस चलती रहेंगी पैसे आते भी रहेंगे और जाते भी मतलब जाते भी रहेंगे इट इज सिंपली टू टू सप्लाई गुड्स और और सर्विसेज इज प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड बी ऑन नॉन रिकरेंट बेसिस नॉन रिकरेंट करंट नहीं वन टाइम ठीक है एज अ स्टैंडर्न सप्लाई फॉर एग्जाम्पल वेन महेश परचेजेस अ मशीन फ्रॉम मेसर्स एबीसी देन इट इज अ वन टाइम सप्लाई टेगरी इज रिक्वायर्ड जस्ट टू अदर टाइप ऑफ सप्लाई विच इज कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ठीक है कॉन्टिन्यूस में क्या होता है जहां पर कॉन्टिन्यूस सप्लाई में बी रिकॉर्ड गुड्स एज सर्विसेज फॉर गुड्स एज वेल एज फॉर सर्विसेज जहां पर सर्विसेज बार बार चलती रहती है एग्जाम्पल पूरी डेफिनेशन देखते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कॉन्टिन्यूअसली और नॉन रिकेंट बेसिस अंडर अंट्रैक्ट वेदर और नॉट बाई मीन ऑफ अ वायर केबल पाइप लाइन अदर कंडिक फॉर विच दप्लायर इनवॉइसिस द रिस ऑनगुलर और पीरियडिकल बेसिस अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था रिचार्ज एक बार करा लिया ठीक है आपने रिचार्ज एक बार करा लिया वन टाइम सर्विस हो गई लेकिन उसका यूज धीरे धीरे कर रहे हैं ठीक है आपने जैसे एग्जाम्पल और थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं यहीं पे कर लेते हैं अच्छा नहीं सॉरी ठीक है जैसे जो दिख रहा है ना चलो तो नई स्लाइड ले लेते हैं बेटा कोई दिक्कत नहीं है इंडियन ऑयल है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इनके पास इनके वो हैं वैसे क्या नाम है उसका स्टोर रूम क्या बोलते हैं उसको स्टोर रूम ही पक्ष समझ लेते हैं यहां से बाहर से वो आ रहा है क्या कहते हैं एक पाइपलाइन है यहाँ पे ठीक है और ये सारा के सारा जो क्रूड ऑयल है पाइपलाइन के थ्रू इनकी रिफाइनरी में जा रहा है ये इनका वेसल है मतलब स्टोर रूम स्टोरेज टैंक कह लो स्टोर हाँ स्टोरेज टैंक ठीक है ये इनका टैंक है पाइपलाइन में से कॉन्टिन्यूअसली यहाँ पर क्रूड ऑयल जा, जा रहा है बार बार नीचे आ रहा है जा रहा है ठीक है आता रहा, आ रहा है जा, आ रहा है यहाँ सिर्फ इनफ्लो हो रहा है और यहाँ से इनके पास आगे जा रहा है यहाँ से हम्म तो गुड्स जो हैं कॉन्टिन्यूसली आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं कहां यहाँ पे मान लो मान लो इसका एक अलग से वो है प्रोसेसिंग टैंक है ठीक है प्रोसेसिंग टैंक है यहाँ पे एक तो यहां से आ रहा है यहां पे स्टोर होता है और यहां से आगे निकल जाता है रुकता तो है ही नहीं और यहां से जैसे वो पेट्रोल बन जाता है पेट्रोल जैसी बनता है वो आगे आकर के आपके पेट्रोल पंप में आ जाता है वो किसी भी तरीके से आता हो वो एक अलग चीज है टैंकर टांक, टैंकर के थ्रू आ रहा है पाइपलाइन बिछा रखे डिफरेंट थिंग

विच इज़ नॉट टू टैक्स अंडर जीएससी जीएसटी और आई जी एस टी जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पेट्रोलियम और एल्कोहल ठीक है अगला क्या बोलता है एग्जाम सप्लाई हमने कल देखा था एग्जाम सप्लाई कौन सी होती है जो हमारी डेली की रोजमर्रा की चीजें होती हैं, ठीक है कैसे एनी गुड्स और सर्विसेस Export supply है. देते हैं या एस के डेवलपर को देते हैं तो मेरी एग्जाम में आ जाती है ठीक है बेटा ये मेरी हो गई ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सीबिलिटी बेसिस ऑफ geographical लोकेशन ये क्या होती है ज्योग्राफिकल लोकेशन हम पहले पढ़ चुके हैं स्टेट एंड इंटर स्टेट स्टेट क्या होता है डिफरेंट स्टेट दिल्ली से महाराष्ट्र महाराष्ट्र से केरल केरल से तमिलनाडु तमिलनाडु से बेंगलोर मतलब कर्नाटका कर्नाटका से आंध्र प्रदेश आंध्र से जो भी कह लो ठीक है डिफरेंट और स्टेट विद इन स्टेट गुजरात से गुजरात में दिल्ली से दिल्ली में उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में ठीक है, क्लियर है बेटा इंटर स्टेट टू डिफरेंट स्टेट्स, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी और स्टेट एंड ए कुछ भी कह लो मतलब स्टेट से स्टेट से स्टेट में स्टेट से यूनियन टेरिटरी में या यूनियन टेरिटरी से स्टेट में या फिर एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी कुछ भी कह लो, कह लो बेटा ठीक है क्लियर है बेटा और अगला आता है मेरा इंट्रा स्टेट बेटा कुछ भी डाउट हो बता देना वहीं पे पिकअप कर लेंगे ठीक है <laughs> इंटरेस्ट क्या बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एसीजेड डेवलपर अच्छा ये तो उसकी डेफिनेशन आ गई ठीक है मतलब सिंपल सी चीज है वेयर लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आर इन द सेम स्टेट और सेम यूनिटेटरी शिल बी ट्रीटेड एज अ इंटरेस्ट सप्लाई ठीक है बेटा जब आप सप्लाई विद इन स्टेट विद इन यूनियन टेरिटरी कर रहे हो तो वो आपका स्टेट सप्लाई कंसिडर की जाती है ठीक है बेटा इसमें कोई डाउट हो बता दो वरना फिर हम चलते हैं हमारे आगे की तरफ अच्छा सॉरी ये रह गया आपका सप्लाई इन द टेरिटोरियल वाटर्स वाटर सेक्शन नाइन ऑफ द आई जी एस टी एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज इन द टेरिटोरियल वाटर्स

मुंबई और लक्षद्वीप के बिल्कुल बीच में हो और वहां पे कोई सप्लाई हो रही है वहां पर कोई सप्लाई हो रही है सप्लाई क्या हो रही है कि आपने आ, क्या किया सपोज hmm, करते हैं वहां पे क्रूड आया। क्रूड ऑयल ऑयल आया एक पूरा मैंने कंटेनर भर के वेसल भर के क्रूड ऑयल मंगाया था दुबई से ठीक है वो आया वहां से मैंने खरीद मैंने वो वहां से मंगवाया था जैसे ही वो लक्षद्वीप के आगे पहुंचा मुंबई आने वाला था वो पोर्ट तो मेरे पास एक सेलर आ गया आयोसिल वाले आ गए कि सर आपने जो क्रूड ऑयल मंगाया वो हमें बेच दो मैंने कहा बेच दूंगा बट मैंने खरीदा है पचास करोड़ का आप मुझे पचपन करोड़ दे दो उन्होंने कहा ठीक है तो इस सेल को हम बेटा बोलते हैं हाई सी सेल हाई सी सेल ठीक है अब बात आती है कि बेटा सर इस पे जीएसटी कैसे लगेगा तो ये मेरी सेल हो रही है इन द टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर ठीक है तो जो भी नियरेस्ट मेरा कोस्टल एरिया होगा उस जहाज के उस जहाज के नियरेस्ट में जो भी कोस्टल एरिया होगा चाहे वो लक्षद्वीप है चाहे मुंबई है वो उस पर जीएसटी लगाएगा समझ में आ गई बात वो उस पर जीएसटी लगाएगा बेटा ठीक है कोई डाउट समझ में आ गया बेटा हमने पहले क्या पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट हमने पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिनिटी हमने पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सीबिलिटी हमने पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन हमने पढ़ लिया अब हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गुड सप्लाई इन कंजंक्शन इसमें बेटा हमारे आते हैं दो चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी ठीक है यहाँ पे दो चीजें आती हैं बेटा हमारी पहली आती है हमारी कॉम्पोजिट सप्लाई दूसरी आती है हमारी मिक्स सप्लाई पहली हमारी क्या आती है कॉम्पोजिट सप्लाई दूसरी हमारी आती है मिक्स सप्लाई फर्क क्या है बेटा फर्क ये है देखो सप्लाई दो तरीके से कैसे होती है मतलब दो सप्लाई को मिला के कैसे किया जाता है पहले हम देखते हैं हमारी कॉम्पोजिट सप्लाई एग्जाम्पल पहले पढ़ते हैं फिर हम अंग्रेजी की तरफ आगे बढ़ते हैं आप किसी होटल में गए रेस्टोरेंट में गए मान लेते हैं होटल में गए रेस्टोरेंट में गए पहले होटल का एग्जाम्पल लेते हैं आप होटल में क्यों जाते हैं आपका पर्पस क्या होता है कि आप वहां पे एकमोडेशन का पर्पस होता है आपका आप वहां जाके सोएंगे आराम करेंगे ठीक है लेकिन साथ में आपको वाईफाई भी मिलता है, है ना आपको आ, क्या कहते हैं उसको खाना भी मिलता है हाउसकीपिंग भी मिलती है एसी भी मिलता है लेकिन आप तो सिर्फ रहने गए थे वहां पे, आपको वाईफाई तो चाहिए ही नहीं था, है ना? टेलीफोन भी मिलता है वहां पे, न्यूज़पेपर भी मिलता है वहां तो पर्पस क्या था आपका आपका पर्पस था रहना लेकिन साथ में कुछ चीजें आपको एडिशनली दी गई एडिशनली दी गई आपको तो यहां पे क्या होता है बेटा जहां पर आपको एक दो से ज्यादा सर्विसेज दी जाती हैं जिसका लेकिन जो पर्पज कुछ और है लेकिन ये साथ में दी गई आपको एडिशनली पैसे उसके जुड़े हुए होते हैं वाईफाई के पैसे जुड़े हुए होते हैं आपके होटल के प्राइजेस के अंदर ठीक है खाने के पैसे भी जुड़े हुए होते हैं आपके होटल के प्राइजेस के अंदर अगर आपने इंक्लूडिंग मील वाला लिया हुआ है तो हाउस के पैसे जुड़े हुए होते हैं आपके होटल के अंदर एसी के पैसे जुड़े हुए होते हैं आपके होटल प्राइस के अंदर तो ठीक है तो मेजर पर्पज क्या था आपका रहना लेकिन साथ में कुछ सर्विसेज दी गई हैं आपको एडिशनली वो उसके नेचर में है कि वो मिलेंगी मिलेंगी आपको ये ठीक है अवॉइड हो ही नहीं सकती ठीक है तो इसको हम बोलते हैं बेटा कॉम्पोजिट सर्विस जिसको कंपोज किया गया है ठीक है अगला हमारा आता है मिक्स सप्लाई मिक्स सप्लाई कौन सी होती है बेटा जैसे कि आप किसी आ, होली दिवाली की अगर मैं बात करूं तो दिवाली पे क्या होता है काजू मखाना किशमिश बादाम इन सब का एक गिफ्ट पैक बना दिया जाता है है ना और उसको बेचा जाता है क्या अगर मैं होटल की बात करूं होटल में कोई इंसान आएगा और बोलेगा नहीं मुझे आपका वाईफाई यूज करना है आएगा नहीं आएगा ना तो क्या वो बेच सकता है होटल वाला नहीं बेच सकता क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है अगर वाईफाई यूज करना है पैसे दो और वो होटल के होटल में रहो और यूज करो वाईफाई लेकिन वहीं अगर मैं मिक्स सप्लाई पे आऊं तो जो काजू और बादाम है या किशमिश है और उसके अंदर जो कोल्ड ड्रिंक है क्या अगर आपको उसमें से सारी चीजें वो पूरा पैकेट नहीं लेना है आपको कोई एक चीज लेनी है क्या आप ले सकते हो बिल्कुल ले सकते हो आप उसको बोले मुझे काजू काजू का पूरा पैकेट बना के दे तो वो दे देगा आपको वो आपको बना के दे देगा ठीक है बेटा समझ में आ गया कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई समझ में आ गया बेटा आप हम इसकी अंग्रेजी पढ़ लेते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई अ सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू कंसिस्टिंग टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ विच आर नेचुरली बंडल्ड ध्यान से पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है नेचुरली बंडल्ड बेटा वो नेचुरली बंडल्ड किया गया है ठीक है जितनी ज्यादा सर्विसेज होटल में आपको मिलेंगी दे और आर नेचुरली क्योंकि वहां पे लोग रहने जा रहे हैं उनका पर्पज उन सर्विस को लेना नहीं अगर वो चाहे वो ना भी लें अगर वो चाहे तो ना ले, तो लेकिन वो हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर आप फाइव स्टार में जाए सारी चीजें मिलेंगी मिलेंगी आपको ठीक है एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई और उसमें से एक

ठीक है खाना आ, आ, मील मील के हैं हजार रुपए तो टोटल कितना हो गया दस हजार दो सात सौ ग्यारह हजार सात सौ रुपये ग्यारह हजार सात सौ रुपए इस जीएसटी ये है मेन पर्पज रहना इस पर जीएसटी सपोज करते हैं बारह परसेंट तो इसके ऊपर पूरा बारह परसेंट टैक्स लग जाएगा तो ये जो भी नंबर निकल गया वो आपको

मिक्स में भी यही चीज होगी आ, दो से बंडल्ड दो दो क्या बोला गया है, ये ये वाली है।, ये ही है बेटा आप इसके बिना जा ही नहीं सकते ठीक है लेकिन मिक्स में क्या होगा वो जानबूझ के उसको मिक्स किया जाएगा ठीक है जानबूझ के एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन अदर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नेक्स्ट द सप्लाइड इन कंजंक्शन मीन्स दैट दे शुड बी अकरिंग इन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन एंड स्पेस एक ही जगह पे सारी चीजें हैं बेटा ठीक है दूसरी चीज अगर कोई भी सप्लाई है आप देखिए कि मेन पर्पज क्या है मेरा मेन पर्पज क्या है जैसे मैं आपको बताऊं एक और एग्जांपल देता हूं एयर उसका एयरफेयर का ट्रैवल में एयर फेयर एयर फ्लाइट्स के थ्रू आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो वहाँ पे वो खाना भी मिल रहा है खाना भी मिल रहा है वो क्या है आपके प्राइस में जुड़ा हुआ है वो ठीक है आपके प्राइजेस में जुड़ा हुआ है तो आपका पर्पज़ वहाँ जाके खाना खाने का है या आपको दिल्ली से मुंबई जाना है ऑफ कोर्स मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है दिस इज माई मेन पर्पज़ खाना तो साथ में मिल रहा है ठीक है दिस इज वट वी कॉल कॉम्पोजिट सप्लाई ठीक है बेटा एग्जाम्पल देखते हैं और क्या कहता है राम ने एलसीड सॉरी राम ने एलसीडी बाय की एंड आल्सो गेट्स अ वारंटी एंड अ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द एलसीडी ठीक है अब आप वो वारंटी खरीदने गया था या एलसीडी खरीदने गया था वो उधर तो एलसीडी खरीदने गया था वारंटी साथ में मिली है लेकिन कंपनी बहुत चालाक होती है वो लोग वारंटी के पैसे एलसीडी में एड करके रखते हैं ठीक है दिस सप्लाई इज कॉम्पोज़िट सप्लाई द सप्लाई ऑफ एल इज अ प्रिंसिपल सप्लाई एंड द द वारंटी मेंटेनेंस इज़ आर ऑनसिलियरी सर्विसेज़, ठीक है बेटा मिक्स सप्लाई देखते हैं मिक्स सप्लाई क्या बताया मैंने कि उसको जान के बनाया जाता है जैसे मैंने होली दिवाली का एग्जाम्पल दिया उसके एग्जाम्पल देखे बेटा हम अगर ये देखिए क्या लिखा हुआ है अ गिफ्ट पैक कंप्राइजिंग ऑफ कैंड फूड्स स्वीट्स चॉकलेट्स केक्स ड्राई फ्रूट्स एरिटेड ड्रिंक्स फ्रूट जूस अप्लाइड सप्लाइड फॉर अ सिंगल प्राइस ये सारी चीजें आपको जैसे ये सारा देखा जाए कैन फूड सपोज करते हैं सौ रुपए का है स्वीट्स दो सौ रुपए की हैं ठीक है चॉकलेट्स तीन सौ रुपए की हैं केक चार सौ रुपए का है ड्राई फ्रूट्स पांच सौ रुपए के हैं एरिटी ड्रिंक्स ये आपका दो सौ रुपए का है ठीक है फ्रूट जूस ये आपका दस रुपए का है ठीक है तो ये सारा वो क्या करता है मिक्स कर देता है और उसका एक पैकेट बना देता है अब ये कितने का बना सौ दो सौ तीन सौ तीन सौ तीन सौ छे सौ छह सौ हजार हजार पंद्रह सो सत्रह सो रुपए का बन गया बेटा ये पूरा पैकेट ठीक है जो उसको कॉस्ट पड़ी है इसकी लेकिन वो आपको कितने का बेचेगा ये ये बेचेगा आपको तीन हजार रुपए का या दो हजार रुपए कुछ भी ले लो बेटा ठीक है दो हजार रुपए अब बात आती है कि सर इसमें जीएसटी कैसे लगाएंगे इसमें जीएसटी कैसे लगाएंगे इस इसपे जीएसटी रेट अलग होगा इस पे अलग होगा इस पे अलग होगा इस पर अलग होगा कैसे लगाएंगे अब इसमें जीएसटी ऐसे लगता है बेटा देखो सारे रेट सारी चीजें आ गई कौन से प्रोडक्ट का जीएसटी रेट सबसे ज्यादा है कौन से प्रोडक्ट का जीएसटी रेट सबसे ज्यादा है जैसे सपोज कर दो इसका है एक परसेंट मान एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा इसका है तीन परसेंट इसका है मान लो पांच परसेंट ठीक है इसका है बारह परसेंट इसका फिर पांच परसेंट इसका है मान लो अट्ठारह परसेंट ठीक है इसका है पांच परसेंट अब सब में से हाइएस्ट किसका है अठारह परसेंट है अट्ठारह परसेंट है ना दो तो हजार का अठारह परसेंट लगा दिया जाएगा सीधा तीन सौ साठ रुपए एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड जीएसटी ठीक है बेटा दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द जीएसटी इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई एंड द कॉम्पोजिट सप्लाई कॉम्पोजिट में क्या होता है हाँ बेटा आगे वही आ रहा है <laughs> आगे बोगो ऑफर ही लिखा हुआ है ये दो सॉरी ये लो आ गया जो आप कह रहे हो ना सॉरी यस तनिष जो आप कह रहे हैं वही चीज आ गई ठीक है तो अभी इस पे आते हैं बेटा तनिश? ये देखिए ये हमारा एक छोटा सा डायग्राम है जिसको आप समझ सकते हैं कि कौन सी मेरी कंपोजिट सप्लाई है कौन सी मिक्स सप्लाई है कंपोजिट सप्लाई मेरी नेचुरली होती है और मिक्स सप्लाई मेरी आर्टिफिशियल बंडल्ड होती है ठीक है कंपोजिट सप्लाई मेरी नेचुरली होती है और मिक्स सप्लाई मेरी आर्टिफिशियली बंडल की जाती है ठीक है ठीक है बेटा जैसे तनिष ने बोला बेटा भी आपने बोला कि बोगो ऑफर इसको हम बोलते हैं बेटा बोगो ऑफर बी ओ जी ओ बोगो बाय वन गेट वन फ्री तो वो फ्री नहीं है बेटा वो मिक्स सप्लाई का एक वैरायटी है ठीक है यू आर राइट वो मिक्स सप्लाई का एक वैरायटी है ठीक है ठीक है बेटा तो ये हमारी पूरी सप्लाई यहाँ पे खत्म हो जाती है कितनी तरीके की सप्लाई होती है ठीक है गुड्स जीएसटी लगता कब है ये हमने देख लिया ठीक है किस किस तरीके की सप्लाई होती है हमने गुड्स देख लिया हमने सर्विसेज देख ली ठीक है हमने उसके अंदर चीजें पूरी कवर कर ली हैं उसके अलावा कुछ, so, कुछ बचता है की है है कि क्या होता है बेटा टैक्सेबल पर्सन कौन होता है जो भी रजिस्टर पर्सन है वो टैक्सेबल पर्सन है अल्टीमेटली सिंपल सी हम पहले ही पढ़ चुके हैं ठीक है देन हमारा स्कोप ऑफ सप्लाई आता है डिफिनेशन आती है ठीक है बेटा इसमें कोई डाउट आपको बताइए कोई भी डाउट इसमें बताइए बेटा नहीं बेटा कभी नहीं होता लॉस तनिष लॉस नहीं होता बेटा इसमें क्यों क्योंकि कंपनीज आर नॉट स्टूपेड वो क्या करती है बेटा सपोज करो 500 हंड्रेड का एक घी का डब्बा है ठीक है एक डब्बा एक किलो 500 रुपए का आ रहा है ठीक है वो आपको बोलेंगी इसके अंदर उसका प्रॉफिट भी है हम्म वो क्लियरली बोलती हैं 950 में दो ले लो 950 में दो ले लो क्या फायदा क्या नुकसान क्या उनका आप बोलोगे सर पचास रुपए का नुकसान है नहीं बेटा उन्होंने नुकसान उन्होंने प्रॉफिट कम कर दिया अपना बस थोड़ा सा और बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी करती हैं हजार रुपए के दो ले लो एक के साथ एक फ्री है हजार का एक ले लो सॉरी और एक के साथ एक फ्री है ठीक so, है बेटा सो बेटा बच्चे कंपनीज बोलती हैं हजार रुपए पे एक है लेकिन एक के साथ एक फ्री है ऐसे ऐसे बेच, बेच जाता है बोगो ऑफर बोगो ऑफर बेचने का तरीका ये होता है हजार रुपए का एक डब्बा है एक के साथ एक फ्री है अल्टीमेटली कॉस्टिंग कितनी आ जाती है पांच सौ रुपए की आप मार्केट में देखोगे तो आपको एक, एक किलो घी पांच सौ रुपए का देखेगा मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऊपर नीचे हो जो भी होगा रेट बट मैं वैसे बता रहा हूँ ठीक है ठीक है बेटा रंजना सिन्हा बेटा आप कह रहे हो कि आपको जानना है वन टाइम एंड कॉन्टिन्यूस सप्लाई ठीक है बेटा बेटा देखो एक सप्लाई होती है कि जैसे आप आप सपोज करो दिल्ली में रहते हो ठीक है आपको दिल्ली से मुंबई जाना है आपको दिल्ली से मुंबई जाना है आपने फ्लाइट बुक की आप चले गए ठीक है वन टाइम सप्लाई खत्म कोई मतलब नहीं है एक सप्लाई मैंने इसका एग्जांपल दिया ये वाला ये मेरी आई है आई की रिफाइनरी है जहां पे क्रूड ऑयल आता है जहां पे क्रूड ऑयल आता है ठीक है अब क्रूड ऑयल में क्या हो मेरे टैंक में गिर रहा है बेटा? कॉन्टिन्यूसली यहां से बाहर से आ रहा है और यहां पे मेरे टैंक में आ रहा है जैसे मैं एग्जाम्पल दू तो पानीपत में पानीपत में आईओसीएल की रिफाइनरी है जहां पे क्रूड ऑयल कॉन्टिन्यूसली एक टैंक में जाता रहता है और उस टैंक से वापस

सप्लाई की डोरेश में कि मैंने आपको महीने के बेसिस से बिल करूंगा मैं आपको। या तो डेली सप्लाई मान ली जाएगी बोलेगा तो सर्विस दी जा रही है उसको हम बोलते। पे होती वो वन टाइम मतलब एक बार होकर बात करते हैं जैसे आपका घर बनता है मान लो आपका घर बन रहा है पांच मंजिल का ठीक है पांच मंजिल में आप पैसे तो आप दोगे ना उसको जो कॉन्ट्रैक्टर है कब दोगे पैसे घर बनने के बाद या स्टार्टिंग में ना आप स्टार्टिंग में दोगे ना वो आखिरी में लेगा तो क्या होगा माइल स्टाइन माइल स्टोन अचीव की जाएंगे जैसे मैं आपको एडवांस में दस लाख रुपए दे रहा हूँ काम शुरू करो आप जैसे ही पहली मंजिल बन जाएगी पच्चीस काम कम, 20 काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप मुझसे उसके पैसे ले लो हम्म दूसरी मंजिल अगले बीस परसेंट ले लो तीसरी मंजिल अगले बीस परसेंट ले लो चौथी मंजिल अगले बीस पांचवी मंजिल अगले बीस दिस इज वट वी कॉल सप्लाई कॉन्टीन्यूसा ठीक है बताइए और बताइए और बेटा तो ये बेटा हमारा सप्लाई का चैप्टर खत्म होता है ठीक है इसके अंदर हमने जो चीजें करी ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और आपके नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी बेटा ठीक है ये सारी चीजें आपको आगे हेल्प भी करेंगी जब हम आगे की चीजें कवर करेंगे

सर कल की और आज की रिकॉर्डेड क्लास कब तक आएगी अभी तक आई नहीं क्या बेटा आ जानी चाहिए अब तक तो सर इवनिंग में तो क्लास नहीं है ना आज नहीं सर बेटा आज इवनिंग में क्लास नहीं है मैं देखता हूँ बेटा अभी तक क्लास क्यों नहीं आई कल की रिकॉर्डेड क्लास क्यों नहीं आई आइडली वो अब तक अपलोड हो जानी चाहिए थी अगर नहीं हुई तो मैं अभी चेक करवा लेता हूँ बेटा मतलब आज तो नहीं करवा पाऊँगा बेटा क्योंकि टीम अवेलेबल है कल करवा दूंगा मैं उसको अगर नहीं आई है वो ठीक है बेटा अभी तक कल वाली हाँ बेटा मैं समझ गया आ, मैं इसको कल करवा दूंगा अगर आज नहीं अगर अभी तक नहीं आई तो कल करवा दूंगा ठीक है कल मॉर्निंग सबसे पहले वही अपलोड हो जाएगी ठीक है बेटा मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर तब तक के लिए प्लीज़ जो मैंने करवाया उसको रिवाइज करते रहिए क्वेश्चन देखते रहिए जो भी हम क्वेश्चन कवर करते हैं एग्जाम्पल्स जा, हम कवर करते हैं बाद में हम सारे क्वेश्चन भी कवर करेंगे एक बार सिलेबस पूरा खत्म कर लेते हैं हम ठीक है बेटा बाय टेक केयर